हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना अपडेटेड वेट गेन वर्कआउट रूटीन। इस रूटीन को फॉलो करके आप अपना वेट को गेन भी कर सकते हो और मेंटेन भी कर सकते हो। वैसे मेरे लिए भी वेट गेन करना बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं सिर्फ 37 kg की थी, बट नाउ माय करंट वेट इज़ 55 kg। और लास्ट ईयर मैंने वेट गेन जर्नी भी फॉलो किया था, तो मुझे एक साल हो चुका है। मेरा वेट जो है वो स्टेबल है। अब वेट को जो स्टेबल करना होता है वो एक चैलेंज होता है, वो इतनी ईजिली नहीं होगा। शुरुआत के 1 से 1.5 साल आपको चैलेंज आएगा उसे मेंटेन करने में, लेकिन बाद में वो फिर आपका मेंटेन ही रहेगा। मतलब वो ना तो कम होगा ना ही वो ज़्यादा बढ़ेगा। पर मेरा मतलब ये भी नहीं है कि अगर आप अपने बॉडी के लिए कुछ नहीं करोगे तो भी आपका वेट हमेशा मेंटेन रहेगा। नो, ऐसा नहीं होगा। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है मैं हेल्दी रूटीन्स फॉलो करने की हमेशा कोशिश करती हूँ। और एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे जो लोग वेट लूज जर्नी पे होते हैं वो वेट लूज़ तो कर लेते हैं लेकिन बाद में उनका दोबारा से गेन हो जाता है, क्योंकि वो अपनी डाइट्स पे कंट्रोल नहीं करते हैं। तो सेम हमारे साथ भी ऐसा है, तो हमें एक अच्छी डाइट ज़रूर लेनी है। अब मैं बनाने जा रही हूँ प्री वर्कआउट मील। तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ प्री वर्कआउट मील्स लेना वर्कआउट करने से पहले। ऐसा करने से बॉडी को इनफ एनर्जी मिल जाती है वर्कआउट करने की, और हम लीन भी नहीं होते हैं, क्योंकि सिर्फ अगर हम वर्कआउट करते रहेंगे और डाइट्स पे ध्यान नहीं देंगे तो हम और पतले हो जाएंगे। इसलिए हमेशा याद रखना है 70% हमारी डाइट होती है और 30% हमारी एक्सरसाइज होती है, तो इसी रेशो पे हमें हमेशा काम करना है। और वैसे तो प्री वर्कआउट मील्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट मैं प्रेफर करती हूँ ओट्स, बनाना शेक, स्मूदीज या फिर हेल्दी टोस्ट। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ हनी, क्योंकि इस साल मैंने सोचा है कि मुझे कंट्रोल करना है अपने शुगर इनटेक पर भी, और अब मैं इसमें मिक्स करूँगी। ये है मेरा फेवरेट मसल ब्लेस चॉकलेट क्रंची पीनट बटर। ओ माई गॉड, आई लव द टेस्ट। अगर आपको पीनट बटर्स अच्छे नहीं लगते हैं तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस वन। इसमें 19% प्रोटीन है और सिल्की टेक्सचर है इसका, तो ये माउथ में जाके ऐसे मेल्ट हो जाता है, और टेस्टी पीनट बटर है। और ये रिच एंड क्रीमी चॉकलेट पीनट बटर है, इससे सस्टेन एनर्जी भी मिलती है बॉडी को। और इसमें है रिच डाइटरी फाइबर जो कि काफी टाइम तक फुलर रखता है। इसे आप शेक में, ओट्स में या फिर सिंपल टोस्ट में भी लगा के खा सकते हो। यहाँ पे मैं बनाना शेक बना रही हूँ तो इसमें मैंने डाल लिया है। ये अब और भी रिच प्रोटीन शेक बन जाएगा। तो अब ये मेरा बन गया प्री वर्कआउट मील बनाना शेक। इसमें 19% प्रोटीन और ऐड हो गया है, तो ये और भी रिच बनाना शेक बन गया है और पीने में बहुत टेस्टी है। तो अगर आप भी ट्राई करना चाहते हो तो मैं आपको अपना कूपन कोड दे रही हूँ GULMB फॉर एडिशनल डिस्काउंट ओनली ऑन मसल बेस फिट फूड। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक भी दे रही हूँ, क्लिक करो और विजिट करो वेबसाइट पे, फिर वहाँ पे क्लिक करो फिट फूड्स पे और ऐड कर लो अपने कार्ट में। तो चेक कर लेना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अब प्री वर्कआउट मील लेने के 15 मिनट्स बाद मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना वेट गेन वर्कआउट। तो वर्कआउट स्टार्ट करूँगी वार्म अप से, तो जंपिंग जैक्स कर रही हूँ मैं 25 times। वैसे तो मेरी सोसाइटी में जिम भी है, बट मैं प्रेफर करती हूँ घर पर ही वर्कआउट करना। और मैं करूँगी आज लोअर बॉडी के लिए वर्कआउट। तो सबसे पहले स्टार्ट करूंगी अपनी फेवरेट एक्सरसाइज से, वो है स्क्वैट्स। आई लव टू डू स्क्वैट्स। और यहाँ मैं आपको बता देती हूँ गाइस, मैं बूटी इनलार्जमेंट जर्नी भी फॉलो कर रही हूँ। मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं विजिबली, तो मैंने आपके साथ शेयर नहीं करा है, बट मैं वेट कर रही हूँ कि थोड़े और अच्छे रिजल्ट्स आ जाएं तो मैं आपके साथ शेयर करूँ सब कुछ। तो अभी मुझे रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो गए हैं, मैं फील कर पा रही हूँ और थोड़े थोड़े चेंजेस भी देख पा रही हूँ। तो हम बूटी इनलार्जमेंट जर्नी भी फॉलो करेंगे आने वाले टाइम में, बस मुझे और थोड़े रिजल्ट्स मिल जाएं एंड फिर मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूंगी क्या क्या फॉलो करना है, ठीक है। और घर पे रह के ही सब कुछ करना है, नो नीड टू गो आउट। और अब मैं करूंगी लंजेस। लंजेस से भी हमारी जो थाइज होती हैं वो थिक बनती हैं। आई लव टू डू लंजेस, लेकिन शुरुआत में दर्द होता है कुछ। अगर आप कर रहे हो स्टार्ट वर्कआउट आज से तो थोड़ा बहुत आपको दर्द होगा एक वीक के लिए, लेकिन बाद में वो नॉर्मल हो जाएगा। तो मेक श्योर आप वर्कआउट स्टार्ट करने के बाद छोड़ना मत, उसे हमेशा कंटिन्यू रखना और धीरे धीरे करना चाहें बट आपको करना है रोज़। और अब मैं करूँगी वॉल डंकी किक 25 repetitions 3 times। तो ये हमारी बट मसल्स के लिए बहुत अच्छी वर्कआउट है। इससे हमारी जो बट में स्पेस होता है ना वो फुलर होता है, तो वहाँ की मसल्स गेन होती हैं। सो ये वर्कआउट भी बहुत अच्छा है। अब मैं लास्ट वर्कआउट करूँगी
बट मसल्स के लिए तो ये भी लोअर बॉडी के लिए ही है, तो थाई और बट की मसल्स को गेन कराता है। एंड शुरुआत में करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो आप कम भी कर सकते हो, पर 25 रेपिटेशंस 3 टाइम्स मैं कर रही हूँ इसके, तो ये भी काफ़ी अच्छी वर्कआउट है। अब मैंने यहाँ पे तो आपको सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड में दिखाया है, बट मुझे करने में कुछ 30 मिनट्स लग गया था इस वर्कआउट को। और अब मैं पीऊँगी पानी, क्योंकि अब मैं बहुत थक गई हूँ, और पानी पीना चाहिए बट ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी पी लेना चाहिए। अगर ज़्यादा पानी पीते हैं तो फिर पेट में दर्द भी हो जाता है। अब मैं करूँगी रेस्ट। विंटर में मेरी बॉटल में हमेशा लुक वार्म वाटर ही होता है। मैं बहुत कम ठंडा पानी पीती हूँ, पता नहीं मैं पी नहीं पाती। वैसे मेरे पापा मुझे हमेशा बोलते हैं कि ठंडा पानी पीना चाहिए विंटर में, ये ज़्यादा अच्छा होता है, बट मैं थोड़ा सा लुक वार्म पीती हूँ, ज़्यादा वार्म भी नहीं पीती हूँ, क्योंकि ठंडा पानी पीना भी बहुत ज़रूरी होता है, उससे बॉडी को फ्रेशनेस मिलती है। और अब वर्कआउट करने के बाद इतनी थकान हो गई थी कि मुझे नींद आने लगी थी। मॉर्निंग टाइम में उठकर वर्कआउट करना भी एक चैलेंज ही होता है, वो भी विंटर में, बट बहुत अच्छा लगता है। बॉडी रिलैक्स फील करी थी और अब मैं 1 घंटे के लिए सो जाऊंगी। तो अब मैं बनाऊंगी पोस्ट वर्कआउट मील, तो मैं कुछ ऐसा बनाऊंगी जो ब्रेकफास्ट का भी काम करेगा और पोस्ट वर्कआउट मील का भी काम करेगा। तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। उसके लिए ले रही हूँ मैं वेजीज। तो यहाँ पे मैं वेजी ले रही हूँ, कैप्सिकम, अनियन, टमाटो। तो पहले मैं अनियन डाल के अच्छे से इसको ब्राउन कर लूँगी, और अब मैं बनाऊँगी मसाला ओट्स। तो अच्छे से ब्राउन करने के बाद इसमें मिक्स करूंगी मैं टमाटो। ये है मसाले जो मैंने एक साथ सारे मिक्स कर दिए हैं, जैसे कि नमक, हल्दी, मिर्च, गरम मसाला और बस इतना ही। अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मिलाऊंगी मैं 1 बाउल पानी। तो पानी मिलाने के बाद अब इसमें हम ऐड कर लेंगे ओट्स। तो ये ओट्स हैं मसाला ओट्स, सिंपल ओट्स नहीं हैं जो रोल्ड ओट्स आते हैं, ये मसाला ओट्स ही हैं। तो ये और भी टेस्टी बन गए थे क्योंकि इसमें वेजीज मिला ली थी, अदरवाइज़ मसाला ओट्स ऐसे अच्छे नहीं लगते, मुझे टेस्टी नहीं लगते। अब ये और भी रिच बन गया है, और ये ब्रेकफास्ट का भी काम करेगा और ये हमारा पोस्ट वर्कआउट मील का भी काम करेगा। तो अगर आपको ओट्स खाने अच्छे नहीं लगते ना, तो एक बार आप इस तरह से बना के ज़रूर देखना। आई एम श्योर कि आप ओट्स खाना स्टार्ट कर दोगे, टेस्टी लगेगा, ट्रस्ट मी। ट्राई कर लेना, आज ही चाहें, बहुत अच्छा लगेगा। और ये बनता भी बहुत जल्दी है, तो आपको बस ओट्स ला के रखने हैं मसाला वाले, और इसमें आप वेजीज मिला लो जो भी आपको अच्छी लगती हैं, और गरम गरम बस खा लो। तो ये आपका ब्रेकफास्ट का भी काम करेगा, साथ में आपका ये पोस्ट वर्कआउट मील का भी काम करेगा। आप चाहो तो प्री वर्कआउट मील भी ले सकते हो, बट मैं इसको ले लेती हूँ पोस्ट वर्कआउट मील में। और बस अब मैं अपने मील को करूँगी इंजॉय। तो विंटर्स में गरम गरम खाना कितना अच्छा लगता है ना, टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो इसी तरह से अब आपको भी अपना रूटीन बनाना है, जिसमें आपको प्री वर्कआउट मील लेना है, पोस्ट वर्कआउट मील लेना है, और साथ में आपको वर्कआउट भी करना है। तो वर्कआउट की सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी मेरे चैनल पे, तो आप देख लेना, वो सारी वेट गेन के लिए ही हैं। और अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो जाने से पहले आप लाइक ज़रूर कर देना वीडियो अच्छा लगा है तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करना। और नए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच हेल्दी रूटीन्स वीडियो। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वन में गाइज। आई लव यू, बाई।